नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आइए आज देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द रोल ऑफ जागीरदार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जी हाँ, मुगल पीरियड में आपको पता होगा जागीरदार हुआ करते थे, उनका काम क्या था। आइए इसके आंसर देखते हैं। इसके आंसर होगा बोथ लोकल मिलिट्री मैनेजमेंट एंड रेवेन्यू कलेक्शन। जी हाँ, तो जागीरदार का दो काम था, लोकल लेवल पे सैनिक को मैनेज करना और रेवेन्यू कलेक्ट करना। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ज्वाइन मुगल्स। जी हाँ, ये इनमें से कौन है जो मुगल्स के साथ कभी भी उनके साथ नहीं दिया मुगल पीरियड में। तो वो है ऑप्शन है मराठा, सिख, राजपूत या नन। तो इसका सही आंसर होगा सिख। जी हाँ, सिख ऐसे थे जो कभी भी मुगल्स का साथ नहीं दिया। इवन मराठा में भी साथ दिया था, लेकिन सिख ने साथ कभी नहीं दिया। आगे देखते हैं आंसर है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड अर्लीस्ट अमंग द एंग्लो कार्नेटिक, एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर वॉर। जी हाँ, सबसे पहले कौन सा वॉर हुआ था? एंग्लो कार्नेटिक हुआ था, एंग्लो मराठा हुआ था, एंग्लो मैसूर हुआ था, कौन हुआ था? तो उसका सही आंसर होगा एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जो कि 1740 से 1763 के बीच हुआ था। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एंग्लो कार्नेटिक वॉर। तो आपको जैसे बता चुके हैं, एंग्लो कार्नेटिक वॉर का पीरियड होगा 1740 से 1763। पहला कार्नेटिक वॉर हुआ था 1740 से 48 तक, दूसरा 49 से आगे हुआ था। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। जी हाँ, एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ शुरू हुआ था? वो हुआ था 1760 से 1799 तक। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। जी हाँ, एंग्लो मराठा वॉर कब शुरू हुआ था? वो हुआ था आपको 1805 से लेकर के 1817 तक। ऑप्शन, इन विच ईयर सक्सेसर स्टेट ऑटोनोमस केम इन पिक्चर। जी हाँ, जैसे आपको पता है कि जब औरंगजेब का डेथ हो गया, तब जो ऑटोनोमस स्टेट बनने लगे थे, जैसे बंगाल बनने लगा था, हैदराबाद बनने लगा था, वो किस वर्ष शुरू हुआ बनना? तो उसका आंसर होगा 1719 से 1720 में, जिसमें बंगाल के मुर्शिद कुली खान बने नवाब और हैदराबाद के बने आसफ जहां वन। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड स्कूप डिफिकेशन वॉर। जी हाँ, ये कौन सा वार है जिसमें जिसको कि कहा जाता है कि ये वार एक्चुअली एक धोखाधड़ी का वार था, ये वार एक्चुअली हुआ ही नहीं? वो ऑप्शन कौन देखिए, बक्सर, पलासी, वॉन्डीवास या फिर एंग्लो मैसूर। आंसर होगा बैटल ऑफ पलासी। जी हाँ, बैटल ऑफ पलासी ही ऐसा एक है जो कि बोला जाता है कि ये एक्चुअली एक धोखाधड़ी का वार था, वार ऑफ डिफिकेशन था, क्योंकि इसमें जगत सेठ ब्रदर्स जो थे वो नवाब का साथ ना देकर के ब्रिटिश के साथ दिए थे। आगे देखते हैं, व्हाट इज प्लासी प्लेंडर। जी हाँ, प्लासी प्लेंडर क्या है? ये एक एक्ट है, ये एक वॉर है, या फिर क्या है ये प्लासी प्लेंडर? तो देखते हैं, ये एक तरह का फाइन था। जी हाँ, एक इट वॉज अ वॉर कंपनसेशन पेड बाई बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, तब बंगाल को फाइन के रूप में 2.75 लाख पाउंड देना पड़ा और अलग से 22 मिलियन रुपीस देना पड़ा 1757 से 1761 के बीच में। चलिए, इसी को कहते हैं प्लासी प्लंडर। आगे देखते हैं, प्लंडर का मतलब लूट होता है। इन विच ईयर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वॉज साइंड। तो आप जानते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइंड हुआ था 1765 में बिटवीन शाह आलम टू एंड ब्रिटिश। देखिए, इसको एक्चुअली इसी समय दीवानी राइट्स दिया गया था ब्रिटिश को, बंगाल, उड़ीसा, ये सब राज्यों का। ओके, अगला क्वेश्चन है, शाह आलम टू गेव दीवानी राइट्स टू ब्रिटिश ऑन द कॉस्ट ऑफ। तो शाह आलम टू जो थे 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अनुसार जो दिए थे दीवानी राइट्स, वो कितने में दिए थे? ऑप्शन है, आंसर है 53 लाख एनुअल रेवेन्यू उनको मिलेगा, मिलना था शाह आलम टू को, और 26 लाख रुपया एनुअल पेंशन मिलना था। यानी कि 53 लाख एनुअल रेवेन्यू और 26 लाख एनुअल पेंशन के नाम पर शाह आलम टू ने अपनी दीवानी बेच दी थी ब्रिटिश को। अगर देखते हैं,
सक्सेशन डिस्प्यूट इन बंगाल वॉज बिटवीन आफ्टर द डेथ ऑफ अली वर्दी खान। जी हाँ, अली वर्दी खान का जब डेथ हो गया तो उनके अली वर्दीन खान के बेटी और उनके जो ग्रैंडसन थे उनके बीच ये वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था। तो दोनों का नाम क्या है? तो वो है घसेटी बेगम जो डॉटर थे और सिराजुद्दौला जो कि ग्रैंडसन था। आगे देखते हैं, द सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन हैदराबाद वॉज बिटवीन, यही हैदराबाद में जो था आसफ जहां उनके मरने के बाद जो था वो किन दोनों के बीच सक्सेशन डिस्प्यूट हुआ था? वो है नासिर नहीं होगा, ये नजीर होगा, सॉरी ये होगा नजीर। यहाँ पे नजीर होगा और मुजफ्फर जंग। नजीर जंग जो था वो था उसका सन था और मुजफ्फर जंग जो था उसका ग्रैंड सन था। आगे देखते हैं, हु वॉज द बिटेटर इन बैटल ऑफ प्लासी। जी हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जी। इसी के नाम पे इसको बैटल ऑफ डिफिकेशन कहा जाता है, यानी धोखाधड़ी का वॉर। वो कौन था? जी हाँ, जगत सेठ ब्रदर्स। जी हाँ, क्योंकि उसने ब्रिटिश को साथ दिया था अगेंस्ट द बंगाल नवाब इन बैटल ऑफ प्लासी। आगे देखते हैं, हु वॉज द बिटेटर इन कैनेटिक वॉर। जी हाँ, जिस तरह बंगाल में एक धोखाधड़ी हुआ था उसी तरह एक धोखाधड़ी कैनेटिक वॉर में भी हुआ था। वो धोखाधड़ी किसने किया था? आंसर होगा चांद साहिब। जी हाँ, चांद साहिब ने फ्रेंच का साथ दिया था अगेंस्ट द कर्नाटिक नवाब। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, अगले वीडियो तक फिर से लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।